बार्सिलोना फर्स्ट फेज में बैक थ्री के साथ गेम बिल कर रही थी। बार्सा के दोनों सेंटर बैक्स पीके और राव को एजबडी पेनल्टी बॉक्स पे स्प्लिट होकर गोलकीपर के अलोंग साइड खेल रहे थे। एथलेटिक क्लब फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। विलाब्रे और राहुल गार्सिया एथलेटिक क्लब के लिए फ्रंट टू थे और जो एथलेटिक क्लब की फ्रंट टू थे वो बार्सा की बैक थ्री के सामने 3-2 डाउन थे और बार्सिलोना फर्स्ट फेज में इजिली गेम बिल कर पा रही थी। बार्सा के दोनों फोल बैक डेनी अल्वेस और सर्जिनियो डेस हाई और इन्वर्ट होकर खेल रहे थे और गोलकीपर और दोनों सेंटर बैक्स के लिए इजीली आउटलेट ऑप्शन थे। बार्सा यूज़ कर रही थी सिंगल पिवट सर्जियो बुस्केट्स, बार्सिलोना के लिए सोलो पिवट था और उसको वेंसेडोर कवर कर रहा था। एथलेटिक क्लब ओपन प्ले में 4-4-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। एथलेटिक क्लब के फ्रंट टू सेंट्रल और नैरो रहकर बार्सा का पिवट्स को आइसोलेट कर रहे थे। सर्जियो बुस्केट्स सेंट्रली आइसोलेट हो चुका था और बार्सिलोना ट्राई कर रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने की। इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए सर्जियो बुस्केट्स मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके दोनों सेंटर बैक्स के बीच में स्लॉट इन होकर खेल रहा था और बार्सा बैक थ्री के साथ गेम बिल्ड कर रही थी और बार्सा के दोनों फुल बैक डेनी अल्वेस और सर्जिनियो डेस आउटलेट ऑप्शन थे। जब सर्जियो बुस्केट्स टेम्पररी थर्ड सेंटर बैक था और बार्सा बैक थ्री के साथ गेम बिल्ड कर रही थी तब पेड्री मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके पिवट बनकर खेल रहा था और बॉल रिसीव कर रहा था। ओपन प्ले में एथलेटिक क्लब के फ्रंट टू सेंट्रल और नैरो थे और बार्सा के दोनों सेंटर बैक्स पीके अराउ को स्प्लिट होकर खेल रहे थे और बॉल इजीली कैरी करके आगे जा पा रहे थे, क्योंकि जो एथलेटिक क्लब के फ्रंट टू थे वो सेंट्रल और नैरो थे और उसकी वजह से बार्सा के दोनों सेंटर बैक्स इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहे थे और बार्सा ट्राई कर रही थी राइट हैंड साइड ओवरलोड करने की। जब राइट हैंड साइड ओवरलोड हो रही थी तब जो एथलेटिक क्लब की मिडफील्ड और जो डिफेंस थी वो वाइड ड्रॉ हो रही थी और फार साइड पे विंगर फेरान टोरेस और फुलबैक सर्जिनियो डेस्ट फ्री थे बॉल रिसीव करने के लिए। जब बॉल स्विच होती थी तब सर्जिनियो डेस्ट इजीली बॉल रिसीव कर पा रहा था, क्योंकि जो एथलेटिक क्लब की मिड फोर थी वो सेंट्रल और कॉम्पैक्ट थी और जब सर्जिनियो डेस्ट बॉल रिसीव कर रहा था तब एथलेटिक क्लब का फुल बैक क्लोज डाउन करने के लिए रेडी था सर्जिनियो डेस्ट को और जो बार्सा का विंगर था फेरान टोरेस वो अनमार्क था, उसके पास स्पेस था डिफेंस के पीछे इन बहन जाने के लिए। बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर पेड्री और गावी बिटवीन द लाइन खेल रहे थे और बार्सा के फुलबैक के पास जब बॉल होती थी तब एथलेटिक क्लब का वाइड मिडफील्डर रेडी था उसको क्लोज डाउन करने के लिए और गावी मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था और सपोर्ट कर रहा था डेनी अल्वेस और सर्जियो बुस्केट्स को। एथलेटिक क्लब की मिडफील्ड सेंट्रल होने की वजह से जब बार्सा का फुलबैक बॉल रिसीव कर रहा था तब एथलेटिक क्लब के वाइड मिडफील्डर को काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था फुलबैक को क्लोज डाउन करने के लिए और जो बार्सा का फुलबैक था वो इजीली बाईपास कर रहा था एथलेटिक क्लब के वाइड मिडफील्डर को और विंगर को पास दे रहा था। बार्सा के विंगर फेरान टोरेस ड्रॉप इन करके जब विंग पे बॉल रिसीव कर रहा था तब एथलेटिक क्लब का फुलबैक रेडी था उसको क्लोज डाउन करने के लिए और फुलबैक के पीछे स्पेस बन रहा था और वहां पे रेडी था बमेयंग डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए, क्योंकि जो फुलबैक था वो आउट ऑफ पोजिशन था और बमेयंग के पास स्पेस थी फ्लैंक पे। एथलेटिक क्लब फाइनल थर्ड में जब बार्सा के विंगर्स के पास बॉल होती थी तब अडामा ट्राओरे और फेरान टोरेस को नंबर में डिफेंड कर रही थी और ब्लॉक कर रही थी उनके क्रॉसेस और फोर्स कर रही थी बैक पास करने के लिए, फिर भी अडामा ट्राओरे बहुत अच्छे क्रॉसेस दे रहा था पेनल्टी बॉक्स में। एथलेटिक क्लब ओपन प्ले में हाईलाइन बनाकर खेल रही थी और एथलेटिक क्लब के जो बैक फोर थे वो सेंटर और नैरो थे। बार्सा के दोनों विंगर हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे और पेड्री और गावी बिटवीन द लाइन खेल रहे थे बार्सा के लिए। अडामा ट्राओरे विंग पे ड्रॉप इन कर रहा था और गावी बिटवीन द लाइन से वाइड शिफ्ट हो रहा था फुलबैक को सपोर्ट करने के लिए जब फुलबैक के पास बॉल होती थी और बार्सा ट्राई कर रही थी वाइड जोन में वाइड ट्रायंगल बनाने की, बट एथलेटिक क्लब वाइड जोन में नंबर्स में डिफेंड कर रही थी मैन टू मैन और बार्सा को फोर्स कर रही थी बैक पास करने के लिए। बार्सा के अटैकर्स और मिडफील्डर वाइड जोन में मूव कर रहे थे और बार्सा ओवरलोड कर रही थी वाइड जोन और फोर्स कर रही थी एथलेटिक क्लब को वाइड जोन में डिफेंड करने के लिए और फर्स्ट साइड पे अडामा ट्राओरे और डेनी अल्वेस फ्री थे बॉल रिसीव करने के लिए और डेनी अल्वेस बुस्केट्स के साथ अलोंग साइड खेल रहे थे मिडफील्ड में और पेड्री और गावी की पोजिशनिंग हाफ स्पेस जोन में थी और बार्सा का अटैकिंग शेप देखे तो 2-3-5 था ओपन प्ले में।